पिछले वीडियो में मैंने जिस दो स्टॉक के बारे में बताया था कि जहां आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, तो उसमें से एक स्टॉक का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मुझे इसके लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आया, थैंक यू सो मच। तो ये मार्केट है, मार्केट में अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी है। अगर आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आप एक इन्वेस्टर हैं, तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। ये एक न्यूमरोलॉजिकल टॉपिक है, मीन्स मैंने इस पर जो स्टडी की है न्यूमरोलॉजिकल वाइज की है, और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आया है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो का रिस्पांस देखा था। इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए हैं, और उसका जो वाडीलाल का था मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था उसके लिए, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लोगों ने प्रॉफिट गेन किया है उससे, उसमें इन्वेस्ट करके। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंका वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी में, और मैं हूं आपके दोस्त प्रियंका। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आप कहां इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कहां इन्वेस्ट नहीं करना है। भाई न्यूमरोलॉजिकल मैंने जो रीडिंग की है, इस बार का वर्ड आया है एस। शेयर मार्केट थोड़ा रिस्की होता है, तो आप हमेशा आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपकी रिस्क उठाने की क्षमता हो। मीन्स आपको लगे कि इतना अगर हम कभी खो भी दिए तो हम संभल जाएंगे, मीन्स आपका रिस्क इतना है ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो हमेशा उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपकी रिस्क उठाने की क्षमता हो। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, तो इस समय जो कमज़ोर क्षेत्र है मार्केट गिरने पे वो ज़्यादा गिरावट दिखा सकते हैं। और इस टाइम न्यूमरोलॉजिकल जो रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी से जो रीडिंग की गई है, इस समय फार्मा जो है वीक प्रतीत हो रहा है, मीन्स कमज़ोर प्रतीत हो रहा है। यहाँ इन्वेस्ट करने पर आपको थोड़ा लॉस हो सकता है। तो इस बार जो वर्ड आ रहा है न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो है एस। और अभी मैंने बताया जैसा कि फार्मा भी जो है वो कमज़ोर प्रतीत हो रहा है, तो इस बार जो स्टॉक है जहां कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जहां लॉस हो सकता है, वो है सन फार्मा एडवांस एंड सन फार्मा। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं तो आपको सेल करके निकल जाना चाहिए, अदरवाइज लॉस हो सकता है। और मैंने पहले भी बोला है, पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि ये मेरा मात्र एक सुझाव है, बाकी आप कहीं भी इन्वेस्ट करें तो अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए करें। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ट्रेडिंग बहुत अच्छी करते होंगे और बहुत बेहतर जानते होंगे कि कहाँ लॉस हो सकता है, कहाँ प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस पर और वर्क कर सकूं। तो आगे हम फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, और लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।